उल्लासनगर अवैध निर्माणों का गढ़ था, है और शायद भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि इन अवैध निर्माणों पर ना पहले कोई अंकुश था, ना कोई अंकुश अब है, ना भविष्य में इन पर कोई अंकुश लगने की संभावना दिखती है। यहाँ अवैध निर्माणों को बनाने के लिए सड़क पर ही मटेरियल उतारा जाता है या मटेरियल नालों में जाकर जमा हो जाता है। आइए लेते इस पर एक रिपोर्ट। ये समस्या यही है कि इधर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम, भली रोड लाइन पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है तो भी समझो मटेरियल अपना इधर उतारता है, अगर दूसरे तीसरे नंबर गली में काम करवाता है तो भी अपना मटेरियल इधर उतारता है। चलो ठीक है, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है, उसके बाद भी मैं कचरा इधर का इधर पड़ा रहता है, अपने को बहुत तकलीफ है इसमें। स्थानिक नगर सेवकों से कभी कुछ बातचीत हुई इसको लेकर? बातचीत तो अभी हमने अप्लाई की है, अभी उसका कोई जवाब नहीं आया है। कितने समय से जवाब नहीं आया? जवाब अभी एक महीना तो हो गया है अपने को, और अपने को ये बना समझो दो ढाई बरस से अपने को बहुत तकलीफ है। आप खुद ही देखिए क्या हो रहा है इधर, अभी ना कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती है, फोर व्हीलर एम्बुलेंस आए इधर के जो आए कुछ हो ही नहीं सकेगा, पूरा बड़ेला पड़ा है। कितने समय से ये दिक्कत? ये दो ढाई बरस तो हो गया है और झंझट होता ही रहता है। सुनने वाला कोई नहीं है? सुनने वाला भी कोई नहीं है। इधर कचरा देखो अभी ना 3 महीने से पड़ा है। 3 महीने से कचरा पड़ा है? हाँ, 3 महीने से कचरा पड़ा है। कचरे की वजह से ये सब पूरा नाली चौकअप होता है, इसकी वजह से हमने 2 साल में 10 से 12 हज़ार चौकअप पे खर्चा किया है। अच्छा, आपने खुद के पैसे से? पैसे से चौकअप पे 10-12 हज़ार रुपया खर्चा किया है। उसके बाद हमने बहुत कुछ साइन किया है जो हम आप बता नहीं सकते आपको। 1.5 साल से ऑनलाइन डिलीवरी चालू है, लेकिन ऑनलाइन वाला ये गली का नाम सुन के नहीं आता है। अच्छा। इधर गाड़ी नहीं आएगी तुम्हारी। मंदिर बंद है, कोई नहीं आता है, कचरे की वजह से बीमारियां फैल रही है, किसके घर में पेशेंट है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, बहुत सारी बातें हैं जो बयान करना मुश्किल है। प्रशासन से भी बात किया, नगर सेवक से भी बात किया, नगर सेवकों का यह जवाब है कि आपका वार्ड उसके वार्ड में आता है, आपकी एरिया उसके वार्ड में आती है। यानी तो वो बात हो गई भाई, जैसे 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ वैसा हम लोग को कर दिया। पैनल नंबर क्या है और कौन से नगर सेवक है पैनल? हम लोग के यहाँ पे 4 नगर सेवक थे जो चारों के पास हम लोग होके आए, ये पैनल नंबर 4 है। पर अपने को कोई सुविधा नहीं है। हम लोग कितनी बार, इससे पहले 2 साल पहले हम लोग पानी के लिए समस्या के लिए हल निकालने गए थे, उसका भी हल नहीं निकला। हम लोग अपने पैसे से बार बार खर्चा करते हैं, प्रशासन का कोई आदमी नहीं आता है, न सफाई के लिए न और कोई सुविधा के लिए। जबकि वो इतना भी बोल के जाते हैं भाई आपका ये वार्ड हमारे में नहीं आता है, ये आपके वार्ड हमारे में नहीं आते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।